हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घर पे आसानी से हम बर्बॉन बिस्किट्स कैसे बना सकते हैं। मैं ब्लैक बर्बॉन विथ वेनिला क्रीम बना रही हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका जो बिस्किट बेस है वो बना लूँगी, जिसके लिए मैंने लिया है मक्खन। मक्खन ज़्यादा सॉफ्टन्ड नहीं है और मैंने क्यूब्स में काट लिया है। फिर मैंने इसमें डाला है मैदा, कोको पाउडर और थोड़ा सा नमक और बेकिंग पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी की मात्रा आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोकोआ पाउडर जो है वो अनस्वीटेंड है, तो थोड़ा सा बिटर टेस्ट आ सकता है। अदरवाइज़ इफ़ यू लाइक इट तो आप डाल सकते हैं कम चीनी। और इसके बाद अपने हाथों की मदद से मैं एक शॉर्ट क्रस्ट डो की तरह इसे सानूंगी और सारे जो बटर पीसेस है उसे अपने दोनों फिंगर्स के बीच में रब कर करके एक शॉर्ट क्रस्ट डो की तरह इसे बना लूँगी। अगर पानी की ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं ठंडा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, टू ब्रिंग द डो टुगेदर। और ये देखिए हमारा जो डो है अब अच्छे से लग गया है। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक बर्बॉन की ही तरह इसका कलर आया है, एकदम ब्लैक। अगर ब्राउन भी होता है तो कोई बात नहीं। और हमारा डो बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसे मैं ढक दूंगी थोड़े देर के लिए, फ्रिज में छोड़ दूंगी एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए। ये देखिए फ्रिज में ये सेट हो गया है थोड़ा सा, मैंने इसे 20 मिनट के लिए छोड़ा था फ्रिज में। और उसके बाद मैं अब इसे रोल करूंगी, जिसके लिए मैंने ले लिया है एक बोर्ड और उस पर मैंने रखा है एक पार्चमेंट पेपर। और मैं इसमें ऊपर से मैदा डाल रही हूँ ताकि रोल करने में आसानी हो। और इसके ऊपर से मैं एक और पार्चमेंट पेपर डाल दूंगी, क्योंकि डो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है बटर की वजह से। और एक रोलिंग पिन के मदद से अच्छे से इसे बेल लूँगी। थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत कम भी नहीं करना है। 1/4 इंच थिकनेस ज़रूर रखें इसकी, ताकि हमारा जो बिस्किट्स है वो परफेक्ट बेक होके आए। अच्छे से रोल आउट करने के बाद हम ऊपर वाला पार्चमेंट पेपर हटा देंगे और अपने कुकीज़ को अब कट आउट कर लेंगे। कुकी डो को एक चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और बर्बॉन्स जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, तो उसी शेप में काटूँगी। पहले मैं साइड से इसके जो अनइवन एजेस हैं उसे हटा रही हूँ और इसके बाद मैं लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप्स में कुकी डो को काट लूंगी अच्छे से। अब कट किए हुए कुकीज़ को हम एक बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन कर दिया है अच्छे से और कट किए हुए कुकी डो को मैं उसमें रख दूंगी। और डिस्टेंस रखे थोड़ा सा ताकि बेक होने के लिए जगह मिले। वैसे तो ये ज़्यादा फैलेंगे नहीं, स्टिल डिस्टेंस रखें। और इसके बाद मैं टूथपिक की मदद से इसमें ऐसे होल्स कर दे रही हूँ जैसे बर्बॉन बिस्किट्स में रहते हैं। और ऊपर से मैं चीनी डाल दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही होते हैं बर्बॉन बिस्किट्स। गाइस अवन को ज़रूर प्रीहीट कर ले पहले से, बहुत ज़रूरी है ये। और कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें और उसके बाद इसे बेक करने के लिए रख दे फॉर 8 to 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और उसके बाद तैयार हो जाएगा आपका बिस्किट। और अब मैं बना लूँगी अंदर की जो फिलिंग है वो, जिसके लिए मैंने सॉफ्ट किया हुआ बटर लिया है। बटर को हमें अच्छे से बीट कर लेना है और बिल्कुल क्रीमी बना लेना है। बिल्कुल मेल्टेड बटर भी आपको नहीं लेना है, आपको इसको पेल कर लेना है, थोड़ा वाइटिश सा हो जाएगा तब तक आप इसे बीट करें। मैं इसे 7 से 8 मिनट तक बीट करती हूँ जनरली। देखिए काफ़ी पेल हो गया है इसका कलर, जो येलोइश कलर है वो चला गया है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें आइसिंग शुगर डालना शुरू करूँगी। और एक बारी में सारे आइसिंग शुगर आप ना डालें, नहीं तो बहुत उड़ने लगता है। मैं एक एक चम्मच करके डाल रही हूँ और ये देखिए अब कलर और भी इसका वाइट होते जा रहा है धीरे धीरे।
मार्केट में जो ब्लैक बर्बन मिलता है वो वनीला फ्लेवर का होता है, तो इसीलिए मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ क्रीम में, ताकि ये वनीला फ्लेवर का बन जाए जो बटर क्रीम है हमारा वो, और नॉर्मल बटर क्रीम से थोड़ा सा स्टिफ बनाए इसको। और अब मैं बटर क्रीम को एक पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है और आप नोज़ल नहीं डाल सकते या पाइपिंग बैग भी नहीं है, तो आप दूध का पैकेट यूज़ कर सकते हो और नोज़ल आप स्किप कर सकते हैं। इधर हमारे बिस्किट्स बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं और ठंडा भी कर लिया मैंने इन्हें, और पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के रखा था, और मैं अब दोनों कुकीज़ को सैंडविच कर लूँगी। आप देख सकते हैं, एक कुकी ले रही हूँ मैं, उसके ऊपर मैं क्रीम लगा रही हूँ पाइपिंग बैग की मदद से, और फिर दूसरे कुकी ऊपर से डाल दे रही हूँ और दोनों को प्रेस कर दूँगी। हमारे बर्बन बिस्किट्स बनके बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे बताएं कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।